गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत लागत। थर्ड जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्या होती है, हमारी सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या कहते हैं बेटे हम? मार्जिन कॉस्ट। सीमांत लागत को क्या कहेंगे हमें? मार्जिन कॉस्ट कहेंगे। दो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, टीसी और एसी कॉन्सेप्ट कर चुकी हैं। टीसी मीन क्या होता है? टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करे, किसके बराबर था? टोटल कॉस्ट किसके बराबर था बेटे? टी एफ सी प्लस में क्या था? टी वी सी था। सेम ए सी था, ए सी किससे निकाले थे हम? टी सी से निकाल रहे थे। कैसे निकाले थे हम इसको? टी सी बाई क्या करते थे हम? क्वांटिटी प्रति इकाई लागत को क्या कहेंगे हम? एवरेज कॉस्ट कहेंगे। हम कर चुके हैं इसको। ये भी किसके बराबर था बेटे? ए एफ सी प्लस में क्या था? ए बी सी था। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। हमें पता है कि लागत क्या होती है, ये मैं तुम्हें बता चुकी। यू शेप की होती है लागतें, क्या होती है? यू शेप की होती है। केवल एक लागत, कौन सी लागत बेटा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ए एफ सी क्या होती है बेटा? जो एल आकार की होती है। ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। अब हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है मार्जिन कॉस्ट, क्या बेटे? सीमांत लागत क्या होती है? सीमांत लागत होती है एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल लागत में जो क्या होगा बेटे? वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे बेटे? हम सीमांत लागत कहेंगे। मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ, जो मार्जिनल वर्ड होता है बेटे, जो सीमांत वर्ड होता है, वो बार बार पूरे इकोनॉमिक्स में चलेगा, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है पूरे में सीमांत यूज होगा। तो मार्जिनल क्या होता है बेटा? प्रति इकाई यूनिट का होता है। अगर प्रोडक्शन की बात की थी, प्रोडक्शन में क्या था? एम पी था। तो हम उत्पादन की प्रति इकाई जो लेबर लगाने लग रहे हैं, हर लेबर ने कितना कितना काम किया है, समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है बेटे? यहाँ पर तो एम सी है, सीमांत लागत है। तो लागत क्या होती है? मान लो बेटा हमने एक मार्कर तैयार किया, कितना खर्चा है इसका? दो मार्कर किए हैं तो दो मार्कर का टोटल तो इतना खर्च है, लेकिन सेकंड मार्कर पर कितना खर्चा आया हमारा? फिर हम तीन मार्कर किए हैं तैयार, टोटल खर्च इतना हो गया हमारा, टोटल लागत इतनी होगी। तो अकेले थर्ड मार्कर पर कितना खर्च होया है? पर यूनिट का जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, एक दो तीन, जितनी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, हर क्वांटिटी का अलग अलग खर्चा, समझ में आया क्या? अलग अलग खर्चा क्या कहलाता है? सीमांत लागत कहलाता है, समझ में आया बेटे? एक डिब्बा तैयार किया हमने मार्कर का, एक डिब्बा है, टोटल खर्चा कितना आया? दो डिब्बों का इतना होगा टोटल, तो दिखा रहा है यो, टोटल तो बढ़ेगा ही, लेकिन अकेले दूसरे डिब्बे पर कितना खर्चा आया है, समझ में आया बेटे? अतिरिक्त एक्स्ट्रा यूनिट का यूज करने से, एक्स्ट्रा यूनिट का यूज करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंजिंग आने लग रहे हैं, उसे क्या कहेंगे बेटा? हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, सीमांत लागत कहेंगे, समझ में आएगा बेटे? तो सीमांत लागत और मार्जिनल कॉस्ट मीन क्या है बेटे? हर एक्स्ट्रा यूनिट का, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट का यूज करते हैं, या अपनी लैंग्वेज सिंपल क्या कहोगे, सिंपल इसकी लैंग्वेज क्या बनती है बेटा? अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, एक्स्ट्रा यूनिट का यूज करने से कुल लागत में जो चेंजिंग आएंगे, उसे क्या कहेंगे बेटा? हमें सीमांत लागत कहेंगे। सीमांत लागत भी किस पर डिपेंड करता है? ये भी किस पर डिपेंड करता है बेटे? टीसी पर डिपेंड करता है। तो टीसी पर डिपेंड करने से एमसी कैसे निकलता है? सीमांत लागत कैसे निकलेगी बेटा? टीसी क्या करेंगे बेटा? मैंने बताया था तुम्हें, टीसी एन माइनस में वन करेंगे। एन मीन क्या होती है? सारी टोटल इकाई होती है, पीछे वाले में से पहले घटा देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? सीमांत लागत आ जाएगी, समझ में आ गया बेटा? या इसका एक फॉर्मूला होता है हमेशा, बहुत 99% चांस होते हैं पेपर में, इसका ऑप्शन वाले पेपर में, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन आना, या इसको ऐसे कह सकते हैं हम, चेंज इन क्या करेंगे बेटा हम इसको? टी सी बाई चेंज इन क्वांटिटी। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? सीमांत लागत निकाल सकते हैं। क्या लिख देगा ये फॉर्मूला? लिख देगा और क्या कहेगा कि एमसी बताओ, एमसी का कौन सा फॉर्मूला राइट है? तुम कंफ्यूज मत हो, हाँ ये मत सोचना कि मैडम ने तो ये करवा था, एन माइनस में क्या होता है? वन होता है। लेकिन नहीं बेटा, चेंज इन टी सी बाई चेंज इन क्यों भी इसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। इसने एग्जाम्पल दिया एक तुम्हारी बुक में, पहले एक हम डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है बेटे? फर्गुसन के अकॉर्डिंग है, सेम जो मैंने एवरेज कॉस्ट में बताई थी। एवरेज कॉस्ट में क्या थी? कुल उत्पादन का टोटल कॉस्ट किससे डिवाइड करें? क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? टी ए सी आ जाएगी। तो इसकी भी क्या कहता है फर्गुसन के अकॉर्डिंग? क्या कहता है? उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से, क्या कहता है? उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होगी, उसे क्या कहेंगे बेटा? हमें सीमांत लागत कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल, जब हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेंगे, इज द एडिशन टू टोटल, क्या करेंगे बेटा हमें? टोटल जो हमारा कॉस्ट है उसमें क्या हो, किसके कारण हो गया है? ड्यू टू द एडिशनल ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। जब एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग किया हमने, तो किस में चेंजिंग आई है बेटा हमारे? एडिशन, किस में एडिशन होगी? टोटल कॉस्ट में एडिशन होगी, समझ में आ गया बेटे? टोटल कॉस्ट में हमारी क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। तो इसने एग्जाम्पल दिया है, ये कहता है कि पांच, कोई भी पांच वस्तुओं का उत्पादन किया हमने, ठीक है, उसकी एवरेज कितनी है, उसका खर्चा कितना है? 135 है, ठीक है। छठी यूनिट का फिर पांच मार्कर
तैयार करने से 135 रुपये कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट ये होगी हमारी। ध्यान देना बेटे, 5 मार्कर तैयार किए हमने, उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, 135 हो गया। जैसे ही छठा मार्कर तैयार किया हमने, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 180 होगी। समझ में आएगा ना क्या डेफिनेशन इसकी, एक्स्ट्रा यूनिट एडिशन करने से टोटल आउटपुट में जो टोटल कॉस्ट में क्या होने लगा, एडिशनल होने लग रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेटा, मार्जिन कॉस्ट कहेंगे। या अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, अतिरिक्त इकाई तैयार करने से कुल लागत में जो वृद्धि होने लग रही है, कुल लागत जो में परिवर्तन होने लग रहा है, उसे क्या कहेंगे बेटा, सीमांत लागत कहेंगे। समझ में आ गया, 5 यूनिट 5 मार्कर तैयार किए, खर्चा कितना 135 था, जैसे ही 6 मार्कर तैयार किए तो खर्चा कितना आ गया बेटे, 180 हो गया। ये क्या दिखा लग रहा है, हम बढ़ गया ना ये, तो एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करने से कुल लागत में क्या होने लग रहे हैं, परिवर्तन होने लगे, तो क्या कहेंगे बेटा, हमें सीमांत लागत कहेंगे। अब सीमांत लागत निकालते कैसे है, मैं तुम बता चुकी हूँ क्या था बेटे हमारा निकालने का क्वेश्चन, फॉर्मूला टी सी एन माइनस क्या था बेटे, एन माइनस ए वन था, तो एन मीन एनथ टर्म होगी, इसे पीछे वाले में से क्या कर देंगे, अगली लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सीमांत लागत आ जाएगी। और अर यूनिट की छठा पेन जो बनाया है, छठा मार्कर किया है, उसके गले की लागत क्या है, गले कॉस्ट कैसे है, तो सीधी सी बात है 6 की ये है, तो इसमें से क्या कर देंगे, 5 मार्कर की निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, छठे जो मार्कर की क्या आ जाएगी बेटे, कॉस्ट आ जाएगी। तो 180 में से क्या करेंगे, 135 लेस कर देंगे, कितनी आ जाएगी बेटे हमारे पास, कितनी आ जाएगी बेटे, 45 आ जाएगी। तो इसमें क्या कहेंगे हम, कि अभी जो इसकी कॉस्ट है एम सी क्या आ गई बेटे हमारे पास, 45 हो गई। तो कैसे निकाली मैंने, छठी माइनस में 5 में, पीछे वाले में से क्या करेंगे बेटा, हमें अगली बता देंगे, लेस करते हैं, तो क्या जाएगी हमारे पास, सीमांत लागत। समझ में आएंगे बेटे, अब इसकी वही सेम है, इसका भी डायग्राम क्या होता है, इसकी टेबल है, वो टेबल हम बता चुके हैं बेटा, हमें टेबल क्या निकालेंगे, टी सी मिलेगा, टी सी से किससे क्या, किससे निकालेंगे, पिछली इकाई में से अगली घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीमांत लागत आ जाएगा। तुम्हारी बुक के अंदर टेबल दे रखी है, जो तुम बुक को खोलोगे तो तुम्हें टेबल मिलेगी, उसमें से तुम इसको एक बार देख लेना, इसका डायग्राम सेम होगा, बेटे डायग्राम वही होगा, इसकी शेप भी क्या होगी, यू शेप की होगी, वही क्या हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, वो एक्स हो गया, ये आउटपुट है, ये सीमांत लागत ले रखी है, वही सेम हो गया, इसकी लागत क्या होगी, यू शेप की होगी, वही सेम बात है बेटे। उत्पादन क्या होता है, पहले उत्पादन कम होता है, लागतें ज़्यादा होती हैं, जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, मैं तुम्हें डायग्राम करा चुकी हूँ सातवें चैप्टर में, पीछे वाली वीडियो में, समान बढ़ता प्रति फिर समान प्रति इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो क्या होगा बेटे, जब हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सेकंड स्टेज हो जाएगी, उस टाइम पर हमारी लागत क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाती है। समझ में आ गया बेटे, क्योंकि पीरियड कौन सा बेटे हमारे पास, शॉर्ट पीरियड है, शायद तुम्हें समझ में आ रहा करियर भी होगा। अब मैं तुम्हें एक इसके अलावा एक पॉइंट बताती हूँ, जो बेटे कई साल पहले एक बार क्वेश्चन आया था, शायद ही बच्चे ध्यान देते, लेकिन ध्यान तुम ध्यान अच्छे से ध्यान दोगे बेटे, जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता रही हूँ, जो सीमांत लागत होती है ना, सीमांत लागत होती है एमसी होती है ना, एमसी का सिग्मा ना किसके बराबर होता है बेटे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। ध्यान देना बेटे इस पॉइंट पे, सीमांत लागत का टोटल किसके बराबर होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा सीमांत लागत क्या होती है, एक्स्ट्रा प्रति इकाई लागत होती है, हर यूनिट की जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते जाएंगे लागतें बढ़ती जाएंगी, ये होता है ना। और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, जैसे उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे लागतें भी बढ़ती जाएंगी। समझ में आया बेटे, जैसे जैसे एक इकाई के बाद एक का उत्पादन करते जाएंगे लागतें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, क्लियर। और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, सेम होती है, उत्पादन के साथ क्या होती है, घटती और बढ़ती है। उत्पादन को बढ़ाएंगे तो बेटा लागतें भी हमारी क्या जाएंगी, ये बढ़ती जाएंगी। पीछे मैं डायग्राम करा चुकी हूँ, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लागतें भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और सीमांत लागत भी क्या रिप्रेजेंट करती है, टेबल में दिखा बताया था मैंने अभी, सीमांत लागत भी क्या होती है बेटा, जैसे जैसे एक के बाद दूसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवीं, ऐसे ऐसे उत्पादन की यूनिट बढ़ाते जाएंगे लागतें हमारी क्या होती जाएंगी, कुल लागत हमारी बढ़ती जाएंगी। समझ में आएगा बेटा, वैसे तो टी सी बराबर बंदी लागत भी होती है, लेकिन बंदी तो बेटा स्थिर है, लेकिन एम सी तो क्या होता है, वो तो एक्स्ट्रा यूनिट का क्या होती है, कॉस्ट होती है। एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से टोटल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। तो सेम है बेटे, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग होती है। तो इसलिए क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा एमसी किसके बराबर होता है, टीबीसी के बराबर होता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था पेपर के अंदर, क्वेश्चन ये आया था, ये डायग्राम बना रहेगा था, उसके अंदर ये पूछ रहेगा था कि भाई यहाँ पर क्या लिया, कॉस्ट लिया और यहाँ पर आउटपुट, ये शेडेड एरिया पूछा था, ये डायग्राम था, ठीक है।
ये एमसी है यूसेफ की, और जो सेडी डेरिया था, जो हमारा सेडी डेरिया था बेटे, ये था हमारा एमसी, और ये सारा सेडी था बेटे। डायरेक्ट क्या होता है ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये पूछा था जो डायरेक्ट एरिया किसके बराबर होता है, ऑप्शन में था टीसी था, सिग्मा टोटल टीवीसी था, एमसी था, एसी था, ठीक है ना। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया, इसका जोड़, एमसी का जोड़ किसके बराबर होता है, टीवीसी पे। तो हम क्या लिखेंगे, टीवीसी पे लिखेंगे सारा। से डी डी ने किसके बराबर होता, टीवीसी के होता है। मेरा क्वेश्चन पूछा था बेटा, यहाँ तक बेटे हमारा टॉपिक कर कंप्लीट हो गया। अब तुम इसको अच्छी तरह से तुम इसको समझोगे और उसको रजिस्टर कर नोट करोगे।